नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप देख रहे हैं वीवा न्यूज। पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के रिकॉर्ड मेडल जीतने के बाद अब भारत सरकार ने भी पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत खेल मंत्रालय ने अपनी टीम मिशन ओलंपिक सेल में 7 दिग्गज इंटरनेशनल एथलीट्स को शामिल किया है, जिनके मार्गदर्शन में नए चैंपियन तैयार किए जाएंगे। ये दिग्गज पूर्व फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया, लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज, हॉकी प्लेयर सरदार सिंह, ब्रेन रस्किन्हा, शूटर अंजलि भागवत, टेबल टेनिस प्लेयर मोनालिस बरुआ मेहता और बैडमिंटन स्टार तृप्ति बेरुगंडे हैं। पिछले कुछ संस्करणों में समर ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। टोक्यो 2020 में भारत से 124 एथलीटों की टीम गई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक दल था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक संस्करण में सबसे ज़्यादा 7 पदक भी जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा का पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में ऐतिहासिक जीत मिली। ट्रैप शूटर बोनीश महेंद्रता ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला कोटा स्थान हासिल किया था और पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने वाले वह पहले एथलीट है। भारतीय निशानेबाजों ने पहली बार प्रत्येक ओलंपिक शूटिंग वर्ग में कोटा हासिल किया। रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह पेरिस 2024 में एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। हालांकि शूटिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कोटा सिर्फ किसी देश के द्वारा ही हासिल किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जिस एथलीट ने कोटा हासिल किया है उसे खेलों में हिस्सा लेने वाले दूसरे खिलाड़ी से बदला जा सकता है। अब बात करते हैं हमारी नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सोमवार को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुकी है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक से पहले स्विट्जरलैंड में मशहूर माइक हॉन्स बेस के लिए रवाना हो गई है, जिसके बाद टीम नीदरलैंड में टेस्ट मैच में हिस्सा लेगी। इसके बाद टीम पेरिस रवाना हो जाएगी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, हमने अभी बेंगलुरु में 2 सप्ताह का शिविर खत्म किया है, अब स्विट्जरलैंड में माइक हॉन्स जा रहे हैं। इसके बाद टीम नीदरलैंड और मलेशिया से टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय टीम 20 जुलाई को पेरिस पहुंचेगी। भारत को ओलंपिक में 27 जुलाई को न्यूजीलैंड से खेलना है, जिसके बाद 29 जुलाई को अर्जेंटीना से, 30 जुलाई को आयरलैंड और 1 अगस्त को बेल्जियम से मुकाबला है। आखिरी ग्रुप को मैच 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। भारत को नॉट आउट में पहुंचने के लिए शीर्ष 4 में रहना होगा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत और अधिक एथलीटों से क्वालिफाई करने की पेरिस ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारतीय दल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। भारत को इस बार उम्मीद है कि पेरिस में खिलाड़ी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीवा न्यूज़।